डॉक्टर अनंत मोहन, ये समझना आपसे चाहूंगी कि कहा जा रहा है कि अगर सिम्टम्स हैं और आरटीपीसीआर में भी आपका नहीं पता चल पा रहा है तो आप एक सीटी स्कैन के लिए जाइए। क्या ये सही है? सीटी स्कैन कितना मतलब किस तरह के संकेत देता है और क्या पूरी तरीके से वहां से स्पष्ट हो जाता है कि हाँ ये कोरोना पॉजिटिव केस है? देखिए, सीटी स्कैन का रोल अभी इस वक्त लिमिटेड ही है। मेनली तो हम लोग डिपेंड करते हैं जो कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे फीवर, खांसी हो या गला खराब हो, या जो सारे कॉमन सिम्टम्स हम सब जानते ही हैं, स्मेल या टेस्ट का सेंसेशन, बॉडी एक्स होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे हम यूजली टेस्ट पर जाते हैं और हम सीवियरिटी डिसाइड करते हैं सांस लेने की रफ्तार पे और ऑक्सीजन के सेचुरेशन पे, और ट्रीटमेंट भी इनके बेसिस पे डिसाइड होता है। एक्सरे और सीटी स्कैन की बात तब आती है कि आपको सिम्टम्स तो लग रहे हैं, आपको अगर कोविड आपका नेगेटिव है तो सीटी कराने से पहले ये सोचना चाहिए अगेन कि क्या टेस्टिंग ठीक से हुई, क्या सैंपल ठीक से लिया, ट्रांसपोर्ट ठीक से हुआ, और जैसे कि अभी बताया गया कि पॉजिटिव की कोरोना होने के बाद भी पीसीआर की सेंसिटिविटी 70% ही है, सो 25-30% हो सकता है एक्चुअली मिस भी हो जाए। इसमें एक एक ये भी करा जा सकता है कि टेस्ट को अगर सच में संकेत आपके सिम्टम्स बहुत स्ट्रांग है तो आप टेस्ट को एक बार रिपीट करा सकते हैं 1-2 दिन के बाद, उस दौरान अपने आप को पूरा आइसोलेट रखिए। सीटी और एक्सरे का रोल तब आता है जब आपको मेनली सांस रिलेटेड सिम्टम्स ज्यादा हो, सांस लेने में दिक्कत शुरू होने लग जाए, खांसी आपकी बहुत ज्यादा हो जिसका कारण या बढ़ रही हो, या आपका ऑक्सीजन कम होने लग जाए। ये कुछ ऐसी सिचुएशंस है जब हाँ आप एक्सरे या सीटी स्कैन की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ जबरदस्ती का सीटी स्कैन कराना मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं होगा, और हम देख रहे हैं आजकल हो रहा है कि एकदम से सीटी जी स्कैन के सामने लाइन लाइन पे लाइन लगी जा रही है, फिर सीटी स्कैन में कुछ आ जाता है, छोटा मोटा आ जाता है, उसको लेके एकदम से और पैनिक फैल जाता है कि अब क्या करें, फिर थोड़े दिन बाद एक और सीटी स्कैन कराने की इच्छा होती है कि अब देखें कि कहीं वो बढ़ तो नहीं गया, अगर बढ़ गया तो फिर तीसरा सीटी स्कैन कराते हैं कि अब वो कम हुआ कि नहीं, तो ये विशेष साइकिल चला जा रहा है जिसका मैनेजमेंट और एक्चुअली रोल बहुत ही लिमिटेड है।